वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल में, हूँ आपका अपना राज भाई। और आज आपके सामने मैं दोबारा से का बार बार लाता हूँ कुछ ना कुछ नया। जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर एक्सट्रीम 120 VR, इसके अंदर जो सबसे अब प्रीमियम चीज़ लगती है ना, अब जो लगाएं जब लगाना शुरू कर दिया ना मिरर, वैसे तो मिरर लोग हटाते नहीं थे, बट अब मिरर हटवाए हैं तो देख सकते हैं आप क्या ज़बरदस्त वाले मिरर आपके लिए लेकर आए प्रीमियम लुकिंग के अंदर। लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है लगने के बाद पहले तो। और अगर जो हम इसे करते हैं बंद, अभी तो मिरर थे, अभी ये बन गए हैं विंग्स, जो कि देख सकते हो जैसे कि उड़ान भरने को तैयार हैं ये वाले विंग्स, वो वाले इसके अंदर विंग्स लगा दो, काफ़ी प्रीमियम देख सकते हैं। इसका लुक चेक करो पहले आप, कितना हैवी है, कितना बल्कि इसकी लुकिंग आ जाती है इसे लगने के बाद। और साथ में इसमें इंडिकेटर भी दिए गए हैं, ये देखिए इंडिकेटर भी मिलेंगे आपको इसके अंदर रनिंग वाले, जो कि आपको मिलते हैं कुछ इस तरीके से दोनों तरफ, इधर भी सेम मिलेगा आपको इस तरफ। लुक चेकआउट कर लो आपकी किस तरीके की इसके अंदर आने वाली है लगने के बाद, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और विंग्स फ्रंट से देख लो तो आपको ये फ्रंट से मिलेंगे, आपको ये मिरर देखें ऐसा लगे ना विंग्स हैं आपके। और अब इसे करते हैं बंद, अब दिखाते हैं आपको वाइज़र, ये इसका वाइज़र लगा दिया गया है। जैसे कि हमेशा देखते हो पता है हम इसमें ज़्यादा बड़ा वाला इसलिए लगाते क्योंकि बड़ा वाला इसके अंदर अजीब लगते हैं, और ये जो लगाते हैं ना हम ये ऐसा रहता है कंपनी इसको फिट करके दे रही है, तो इसीलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं लुक इनहेंस करने के लिए। और देख सकते हैं नंबर प्लेट होल्डर ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। इसे लगाने के बाद ना जब ये लग जाता है तो आगे का ऊपर का जो लुक है ना नंबर प्लेट लगता है थोड़ा सा वाइजर के लुक को ख़राब करता है, तो नीचे लगाने से वाइजर की लुक भी इनहेंस हो गई और नीचे नंबर प्लेट होल्डर भी हो गई और लुक नीचे से भी काफ़ी इनहेंस हो जाता है लगने के बाद। साथ में मिलता है आपको इधर देख सकते हैं ये इसकी शॉकर प्रोटेक्शन, ये भी इसके अंदर लगा दी गई जिससे आपका शॉकर और मडगार्ड ये होता है पूरी सेफ, सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ से। और नीचे लगा देंगे फॉक्स लैडर जिससे कि आपका नीचे का शॉकर भी सेफ हो जाता है, साथ में इसकी ABS प्लेट और डिस्प्ले ये भी होती है पूरी तरीके से सेफ और लुक भी इनहेंस हो जाती है। कलर कॉन्सेप्ट लिया जाता है आपके अकॉर्डिंग जैसा कि आप चाहते हैं उस तरीके से, जैसे कि पहले आपने हमारे में देखा होगा कि हम रेड ब्लू और ब्लैक ये चल रहा था, बट अब इसके अंदर गोल्ड कॉन्सेप्ट लिया गया है, नीचे गोल्ड ऊपर गोल्ड, और साथ में मिलता है आपको लीवर गार्ड भी इसके गोल्ड, ये है आपके कार्बन और गोल्ड के लीवर गार्ड जिससे आपके लीवर होते हैं पूरी तरह से, साथ में हैंड भी होता है ना पूरी तरीके से फुल्ली सेफ हो जाते हैं आपके हैंडल, और साथ में मिलते हैं आपको इसकी लीवर भी सेफ्टी। इधर आपको मिलेगा मोटो जीनियस का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, लुक चेकआउट करो इसकी कैसी है तो मोबाइल होल्डर की। और इसमें मोबाइल लगाने के बाद कहीं भी आप इजीली आप कहीं भी जा सकते हो अपना मोबाइल लगा के GPS ऑन करने के बाद। तो इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्रैश गार्ड, लुक चेकआउट क्रैश गार्ड की, जो कि देख सकते हो आप प्रॉपर फिटमेंट वाला क्रैश गार्ड है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। क्रैश गार्ड इंस्टॉल होने से आपका ना TPFC आपका टैंक और आपके खुद के लैग्स ये होते हैं पूरी तरीके से सेफ। और फिटमेंट देख लो कैसी होती है इसकी लगने के बाद, एक आपको मिलती है इस तरफ, एक मिलती है आपको इस तरफ और एक मिल जाती है आपको फ्रंट की तरफ, ये इसकी फिटमेंट है जो आपको देखने मिलेगी इस तरीके से आपको इसकी क्रैश गार्ड की। और साथ में आपको मिलता है इसके अंदर देख सकते हैं ये गियर शॉक्स है, ये भी इसके अंदर लगा दी गई है, इससे आपका शूज़ कभी भी ख़राब नहीं होता है। और इधर आपको मिलेगा साइड स्टैंड जैकेट, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है जिससे आपका स्टैंड स्टेबल खड़ा करता है आपकी बाइक को, क्योंकि अगर वो कहीं भी कीचड़ वगैरह होती है कुछ होता है तो आपका स्किट होकर गिर जाता है, तो वो खतरा भी आपको होता है ख़त्म। और इधर आएंगे बैक साइड में तो देखने मिलेगा इसके अंदर टॉप रैक विद सैडल स्ट्रे, ये लुक भी इनहेंस करता है। और साथ में ना कोई सामान वगैरह कैरी करना हो तो वो भी आप इजीली कैरी कर सकते हो, इधर सैडल बैग लगा सकते हो, इधर आप टॉप बॉक्स लगा सकते हो, या फिर आप कुछ भी सामान इजीली कैरी कर सकते हो यहाँ पर अपने टॉप रैक पर। और आप चाहते हो उसमें बैक रेस्ट भी लगा सकते हो, वो भी ईजिली लग जाती है। चल मैं को देखने मिलेगा ना आपको, देखो ये जो इसका डंडा है ना जो लगाया है, इससे क्या होता है इसकी जो ये पीछे की टेल है ये पूरी होती है सेफ, क्योंकि जब भी कुछ गिरता है तो ये टेल टूट के नीचे गिर जाएगी, तो ये उसको भी करेगा पूरी तरीके से सेफ, जो कि आप देख सकते हैं इसकी। और साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको इसके अंदर ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया, क्योंकि इसका जो ब्रेक पैंडल होता है ना वो काफ़ी छोटा, नीचे दिखाओ जरा, काफ़ी छोटा सा, देखो इतना सा होता है सिर्फ ब्रेक पैंडल, और इसको एक्सटेंड करने के लगा दिया गया है, क्योंकि आप इसे लगाने के बाद ना समझ लो आपका पैर पूरा पंजा इसमें वर्क करेगा, ब्रेकिंग वगैरह का स्केटिंग का खतरा बिल्कुल भी आपका हो जाएगा ख़त्म, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद साथ में की गई इसके लैमिनेशन, जो कि आप देख सकते हैं जज भी नहीं कर सकते कि इसमें लैमिनेशन की भी है नहीं की गई है, क्योंकि ये होता प्रीमियम वर्क जो कि होता ओनली फॉर राजू भाई की शॉप पर। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, अब मिलाता हूँ भैया से, उन भैया को कैसा लगा हमारे पास काम करा कर। तो हेलो सर, कैसे हैं आप और आपको कैसा लगा ये बताइए काम वगैरह? नहीं बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, यूट्यूब में ही देखा मैंने आपको, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ सीधा। अब आप भी यूट्यूब पर आ गए और सीधा भी आ गए, अब आप भी यूट्यूब पे आ गए, मैं भी आ गया आपकी वजह से इस वीडियो में, हमारी वजह से आपकी वजह से, आपने देखा और इसलिए आप आए काम कराया। और मेन पता खाली यूट्यूब आना नहीं होता, मेन होता काम से, काम ही। हाँ काम कैसा? क्रैश गार्ड देखा था तो आपने यहीं से देखा कि कुछ अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा कंपनी फिटेड टाइप का ही पूरा आ रहा है, कहीं से कुछ कटवट नहीं करा, तो इस वजह से थोड़ा सही लगा मुझे, थोड़ा मैं सेफ्टी की वजह से, या तो एक तो
इसका लैमिनेशन ताकि लॉन्ग लाइफ रहे और ये थोड़ा क्रैश गार्ड। पर भैया ने दो चार चीज़ें और बताई, करते करते सारा ही हो गया ओवरऑल। ये जो मिरर है ना, ये सुपर बाइक वाले मिरर हैं जो कि भैया ने लगवाए हैं। तो सर आपको इसमें क्या अच्छा लगा ये बताइए आप मुझे। इसको लुक अच्छी लगी है कि पतला है, ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा वो। बाकी ये लाइटिंग तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। लाइटिंग भी सोचा था मैंने, सिर्फ मिरर मिरर सोचा था, वो एक्स्ट्रा मिल गया उसमें। एक्स्ट्रा मिल गया तो ऑल अबाउट आप काम करा के सेटिस्फाइड हैं। फुल्ली सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं कि सोचा कुछ और यहाँ पर हुआ कुछ। नहीं नहीं, जैसा देखा तो वही सेम वही चीज़ लिया, सेम कुछ वैसा ही। आपका हमारे स्टाफ का बिहेवियर, हमारा बिहेवियर, नेचर नेचर की वजह से ही मैं यहाँ पे आया हूँ। नेचर तो नंबर वन है। और आपको भी अपनी किसी भी ऐसी बाइक के अंदर, चाहे नॉर्मल बाइक हो चाहे सुपर बाइक हो, कोई सी बाइक आप लाना चाहते हो, कराना चाहते हो, कोई भी काम, तो आप आ सकते हो आपके अपने राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलते हैं दिल्ली के करोलबाग नायवलन के अंदर। बैक साइड मिलेगा वो 36 नंबर के लिए, देख सकते हो आप। और फ्रंट में रश के कारण दिखाएगा कुछ नहीं, बट फिर भी आर्य समाज रोड है जो कि आपको सामने मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा महत्व मैं आपको बताया था क्या होता है कि जब भी आप आते हो ना, एक हनुमान जी की मूर्ति देख लेना, जो कि मिलेगी आपको जनरल मेट्रो स्टेशन अपोजिट गोल चक्कर पर। और जैसे आप अंदर कट लेंगे मार्केट के लिए, तो आगे फर्स्ट चौक पर एक और आपको हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, जो कि मिलेगी आपको मेरे शॉप के बोर्ड पर। तो वहाँ अगर वो लोकेशन आप पहुँच गए ना, तो आप समझ मेरी शॉप पर आओगे। बाकी अगर किसी को लोकेशन वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है लोकेशन, एड्रेस, सब कुछ। और अगर फिर भी आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल करनी है, तो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिसमें कि पहला नंबर मेरा है, बाकी शॉप के नंबर है। आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, लोकेशन मंगा सकते हो। तो ये थी इस बाइक की मोटिवेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय श्री राम, जय हिंद, गुड बाय।